हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू हमारे इस स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है द रियल हीरो। द रियल हीरो के एक सही मायने में, अगर एक रियल हीरो जिसे कहते हैं, आज मैं असलियत में एक रियल हीरो से मिलवाने वाली हूं आपको। वेल, इनका नाम और इनकी पहचान जो है वही काफ़ी है, क्योंकि इन्हें पहचान की ज़रूरत नहीं। इनका नाम जो है और इनके जो कार्य हैं यही एक सराहनीय लेवल पर है। इन्होंने जो कार्य किए हैं अपनी ज़िंदगी में, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को उन अंडर प्रिविलेज किड्स को समर्पित किया, और सिर्फ समर्पित ही नहीं, इन्होंने उन्हें एक राह दी, एक मुकाम दिया जो शायद इन्होंने कभी सोचा भी ना होगा बच्चों ने, लेकिन एक मुकाम को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया। एंड अब तो इतनी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इनकी कहानी, इनकी रियल स्टोरी अब बड़े पर्दे पर खूब चर्चा कर रही है, खूब चर्चा का विषय बनी हुई है और सुपर हिट हो रही है। मैं बात कर रही हूँ झुंड झुंड, जिस कहानी पर आधारित है, जिसकी रियल स्टोरी पर आधारित है, वो हमारे साथ हैं। सर विजय बारसे, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात कि झुंड में इनकी स्टोरी को जो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो और कोई नहीं, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। सर, कंग्रेचुलेशन सबसे पहले कि ये फिल्म आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज़ हुई है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। सर, कैसा फील हो रहा है? सच में ऐसे लगता कि मैं जमीन पे नहीं हूँ और मैं आसमान में हूँ जी, इसलिए कि ये तो एक ख्वाब के माफिक है कि सर्वसामान्य आदमी के जीवन पर जी, कोई फिल्म बने जी, और उस फिल्म को उसका रोल जो है इस सदी का महानायक करे जी, और वो फिल्म सही में पर्दे पर आ जाए, बड़े पर्दे पर आ जाए, ये सब ऐसे लगता है जैसे कोई एक सपना है जी, लेकिन एक रियलिटी है जी। सर, ये स्टोरी, क्योंकि आपने जब अपने कार्य को शुरुआत की एक स्कूल टीचर, एक स्पोर्ट्स टीचर के तौर पर काम करते करते आपने एक स्लम सॉकर का निर्माण किया, एक स्थापना की उसकी, उस टाइम क्या आपने सोचा था कि कभी ऐसी मेरी स्टोरी किसी बड़े पर्दे पर प्रदर्शित होगी? नहीं नहीं नहीं, इसमें से कोई चीज़ मैंने सोची नहीं जी। मैं जब, यानी एक तो मैं पहले से ही, और एक तो मैं इनके बीच में, एक बात ध्यान में रखिएगा कि मैं स्वयं भी अंडर प्रिविलेज रहा हूँ। मैं कोई, यानी हर चीज़ से अभावग्रस्त में ही मेरा जवानी तक का जो सफ़र रहा वहीं तक रहा जी। तो ये बातें तो उस समय तक ख्वाब में आने की रही जी। उसके बाद में थोड़े बहुत जब कॉलेज में जॉब पे लग गए और मिसेज भी लग गई, दोनों जब प्रोफेसर बन गए स्पोर्ट्स के, तो तब थोड़ा थोड़ा ऐसे लगने लगा कि जो चीज़ें हमें आज मिल रही है, कल नहीं मिली थी, वो हम कैसे दूसरों को दे। इसके पीछे की भावना भी ये रही कि मेरे पास में जो है मैं कैसे दूसरे के ऊपर उसका उपयोग करूं, दूसरे को दूं, और उसके कारण से ये मैंने कभी नहीं सोचा कि इस पर कोई बड़ा काम, बड़ा नाम, बड़ी फिल्म बन सकती है। नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा जी। तभी तो वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी रहती है विजय सर, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं हम कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। तभी एक इंसान को रियल हीरो कहा जाता है, वो इस तरह के कार्य करता है, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे इन रिटर्न कुछ मिलेगा। प्यार बांटते हैं, उन्हें एक मुकाम दिया जाता है। और आपने जब एक स्लम सॉकर का स्थापना की सर, आपने अंडर प्रिविलेज किड्स के तरफ एक कदम बढ़ाया, ये किस तरह की जर्नी थी, इस बारे में अगर हम बैक उस टाइम पर चलें। मैडम, मेरे पापा ब्रिटिश के ज़माने में पुलिस डिपार्टमेंट में थे। अच्छा। और वो आप जानते हैं, आप समझते हैं कि उन दिनों में हर एक के घर में जो थे वो बच्चे 8-10 से कम नहीं रहते थे। वेरी ट्रू जी। और इतने बच्चों के बीच में एक पुलिस वाले ने अपने फैमिली में अपने बच्चों को बढ़ाना है, पूरे फैमिली को संभालना है, ये बड़ी कठिन ऐसी समस्या उन दिनों थी। हमारे जीवन में तो हमको ऐसे वो जो पीरियड है आज बहुत अच्छा लगता है जी, लेकिन उस समय एक बहुत कठिन समय था। हमने ये जितने अभाव हो सकते हैं अपने जीवन में जी, उतने सब हमने सहे हैं, और उन्हीं अभावों के कारण से आज हम एक अपने आप को ऐसे समझते हैं कि अब मेरे पास किसी चीज़ का अभाव नहीं है जी। अब जब नहीं है और जो ज़िंदगी मैंने सही है, तो आज वो जो ज़िंदगी सहते हैं ये अधिकतर स्लम के बच्चे, उनके बीच में बांटना चाहिए,
इसकी कोशिश में 20 साल से लगातार करते आ रहे हैं। जी बहुत सराहनीय कदम रहा है सर, क्योंकि अंडर प्रिविलेज किड्स को ध्यान कोई नहीं देता, उनमें भी कैपेबिलिटीज है, क्योंकि अंडर प्रिविलेज किड्स हो या फिर कोई अच्छे घराने से हो या कहीं से भी हो, बच्चे एक नेक्स्ट जनरेशन का एक वो रहते हैं, तो उन्हें अगर हम सराहें, उनकी कैपेबिलिटीज को जानें, तो अंडर प्रिविलेज किड्स भी तो इतनी कैपेबिलिटीज होगी, तो आपने उस तरह से कैसे तराशा कि यहाँ इन्हें फुटबॉल और इस स्पोर्ट्स में लाना ज़रूरी है? मैडम अगर आप स्पोर्ट्स की दृष्टि से बोलेंगे तो मेरा अभ्यास ये है, मेरा रिजल्ट ये है कि जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा इनमें स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, सब कुछ है। मैंने सबकी स्टडी कर ली है और मैंने ये पाया है कि जो झोपड़पट्टी में जो बच्चे रहते हैं, दूर दराज जंगलों में जो बच्चे रहते हैं, जिनको कोई चीज़ें हासिल नहीं होती, ये बच्चे शारीरिक दृष्टि से बहुत मजबूत होते हैं। ये कभी बीमार नहीं पड़ते, ज़्यादा बीमार नहीं होते। इनको खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ या फ्रूट्स या कुछ दूध अंडा मिलना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं, कोई नहीं, इनको बस मिल जाए, बस मिल जाए, बस खत्म, इतने गुजरने को तैयार होते हैं, इतने मजबूत हैं। जी जी सर, जब आपने ये स्थापना की, जब आपने बच्चों के साथ प्रशिक्षण शुरू किया, क्या ये दौर डिफिकल्ट था बच्चों के पेरेंट्स को तैयार करना कि हाँ बच्चों को मैं प्रशिक्षण दिलवाना चाहता हूँ, इन्हें इस स्पोर्ट के थ्रू एक अलग नज़रिया दिलवाना चाहता हूँ? कुछ मायने में, और कभी कभी ऐसे लगता था कि ये मैंने छोड़ देना चाहिए करके। जी लेकिन ये तो मेरा मिशन था ना। जी किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि आपने ये करना है। जी मैं, मेरी मिसेस, मेरी पूरी फैमिली, जी मेरे मिसेस जो स्वयं भी स्पोर्ट्स की लेक्चरर रही, जी तो वो भी तो ग्राउंड से अटैच थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो आदमी ग्राउंड से अटैच, ग्राउंड पे जो रहता है ना, वो सारी रियलिटी को जानता है, क्या है क्या नहीं है, ऊपर रहने वाला नहीं जान सकता है। तो हम, और केवल उसमें ज़रूरत ये होती है कि बशर्ते कि परमेश्वर ने आपको आँखें दिए, दो आँखें, बिल्कुल बिल्कुल साबुत ऐसी आँखें दी है, और फिर ये आँखों के हम स्ट्रेट में तो देखते हैं जरूर, जैसे मैं कैमरा की ओर में देखता हूँ, लेकिन इसका मायने ये नहीं होता है कि मुझे इस साइड का दिख नहीं रहा है, बशर्ते कि वो देखने की मेरी नज़र होनी चाहिए। बहुत सही सर। और ऊपर वाले ने हमको दो मजबूत हाथ देखे रखे, इसमें बहुत ताकत है, इसको पूरे ढंग से कर सकते हैं। ऊपर वाले ने ये दिमाग में कंप्यूटर लगा के रखा है, वो चिप डाल के रखी है, और ऊपर वाले ने वो चिप किसी किसी व्यक्तियों के बीच में रखी है, सबके पास भी नहीं रखी है, नहीं रखी है। जी तो जिसके पास में वो चीप है, जिसके पास में दृष्टि है, जिसके पास में मजबूत हाथ है, और जिसको परमेश्वर ने चुना है, जी उसको एक काम करना पड़ता है। बिल्कुल सही सर, सही सर। अंडर प्रिविलेज किड्स जब हम बात करते हैं, उनकी एक अलग मजबूरी होती है, वो अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका एक कमाई का ज़रिया बच्चों को माना जाता है, कहते हैं कि बच्चे हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना बिना किसी की, तो ये तकलीफ़ें किस तरह की रही सर, उन्हें रेडी करना, तैयार करना? नहीं मैडम ऐसा नहीं है, जो प्रॉपर्टी का हिसाब जो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पढ़ाना नहीं चाहते। जी एक्चुअली उन जो आप कहीं पर भी स्लम में देखोगे, उसके आजू बाजू बड़ी बिल्डिंगें रहती है, बड़े बड़े फ्लैट्स रहते हैं, उनमें काम करने के लिए जो महिलाएं लगती है वो यहाँ रहती है, और फिर इनके जो पुरुष लोग रहते हैं, ये रिक्शा, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कोई हमाली या कोई मजदूरी, इस पे चले जाते हैं। जब दोनों चले गए, उनका बेटा जो रहता है वो घर में अकेला रह जाता है, वो स्कूल गया या नहीं गया ये माँ बाप को थोड़ी ना पता रहता है, शायद उनको लगता होगा मेरा बेटा स्कूल गया है, लेकिन ऐसा नहीं रहता। वो आजू बाजू में जब उसके फ्रेंड्स रहते हैं, वो उनके साथ घुल मिल जाता है, और वो खुद होके पढ़ाई से दूर हटता है, खुद होके वैसी ज़िंदगी अपनाता है जो उसके नज़दीक के दोस्त लोग हैं उससे बड़े जो उसको दिखा रहे हैं। ये जो बात है, इसमें माँ बाप का दोष नहीं रहता, इतना है कि वो देख कर भी नहीं देख सकते, उनको मालूम है उनके बच्चे हैं, लेकिन वो देख नहीं सकते, क्योंकि उनकी मजबूरी है, काम करना है, तभी तो पैसा मिलेगा। जी आपने झोपड़पट्टी फुटबॉल का नाम दिया था सर, इसके पीछे की
वजह? ये तो ऐसे मैंने हमारे बेटे डॉक्टर अभिजीत बारसे जी, उनके लिए भी बड़ा अजीब था ये था कि जो झोपड़पट्टी फुटबॉल, फिर उन दिनों के मेरे मीडिया के दोस्त थे उन्होंने मेरे मजाक उड़ाए थे, ऐसा कुछ होता है कि कहाँ से लाया ये आपने सर, ये नाम कहाँ से लाया? झोपड़पट्टी फुटबॉल कोई नाम है क्या? बोले टूर्नामेंट किसी के नाम से होता है जी। इसकी मेमोरी में ये बड़े लीडर की ओर से ये होता है, ये आप झोपड़पट्टी कोई नहीं आएगा बोले यहाँ खेलने के लिए। लेकिन मैं जानता था कि मेरे को जिनके लिए काम करना है, जिनके लिए मैंने अपना रास्ता चुना है, जो मेरा मिशन है वो यही है, झोपड़पट्टी के बीच में, झोपड़ियों के बीच में उनके बच्चों के लिए, और इसलिए मैंने उसको झोपड़पट्टी फुटबॉल नाम दिया था। जी 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 सर, स्टार्टिंग में आपने अकेले इस थीम को, इस मिशन को अपनाया और आगे बढ़ते गए, बट धीरे धीरे लोगों ने इसको सराहना शुरू किया और लोग जुड़ते गए। किस तरह से लोगों का जुड़ाव रहा और सर किस तरह लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया? ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये तो हर एक की दृष्टि से नहीं देखने की या नेगलेक्टेड ऐसी एक विषय था जी। लेकिन मैंने उसको उसमें कंटिन्यूटी रखी जी। मैंने अपने प्रयास को छोड़ा नहीं, इसलिए कि किसी ने मुझे बताया नहीं था, ये तो मेरा अपना अपनी सोच थी, अपना ये था जी। इसको मैंने केवल और केवल, मेरी पत्नी, मैंने पहले बताया कि वो भी स्पोर्ट्स टीचर थी, उससे शेयर किया था उसने हाँ भी नहीं कहा था। अच्छा? लेकिन ना भी नहीं कहा था उसने। ओके। तो आपको उनका पूरा पूरा सपोर्ट रहा, पहले से सपोर्ट रहा। जी, एक जी। बात जैसे आप लोग भी कहते हैं कि हर सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे या सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी जो सेकंड पार्ट रहता है, हाफ पार्ट रहता है, उसका सबसे बड़ा हाथ होता है। और मेरा भी वैसे ही है कि मेरे सक्सेस में जो है ये इतने साल की इस जर्नी में मेरी मिसेस ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। सर एक सेल्फलेस काम कर रहे थे आप, बहुत अच्छी बात है। और ये स्टोरीज जो है इतनी लोगों को इंस्पायर की, तब जाके वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक दर्जा मिलेगा। सर जिस तरह से आपने आयोजन करवाए और इन बच्चों को वहाँ प्रेजेंट किया, वो मेमोरी अगर आप रिफ्रेश करें थोड़ी सी। ये बड़े खट्टे मीठे अनुभव है जी। लोकल लेवल में जैसे इनको खिलाना है, झोपड़पट्टी वालों को खिलाना, ये पहले बात तो इम्पॉसिबल लग रही थी। वेरी ट्रू। इसलिए कि हर समय उनके मुंह में गाली, अच्छा, हर समय उनके दिमाग में कोई गलत बात, अब ये करना है, ये चोरी करना है, वो बस स्टॉप पे जाना है, किसी की जेब काटनी है, किसी के दरवाजे के नज़दीक का लोहा उठा के ला लेना है, यही उनके दिमाग में घूमते रहता, इससे बाहर नहीं निकल सकते वो। या कहीं निकल के बैठ गए कहीं तो लारे बीड़ी, लारे सिगरेट, लारे गुटखा, यही उनका जीवन है। तो ऐसे इसके बीच में से निकालना ये पहले बड़ा कठिन लग रहा था जी। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं उनके बीच में से आया हूँ, तो मेरे लिए बहुत कठिन ही था, दूसरे देखने वाले के लिए कठिन था। मैं तो उनके दिल से लगाव रखता था, इधर आना पे जाना पे उनकी भाषा में उनसे बात करता था, मैं तब भी समझता था कि मैं प्रोफेसर हूँ करके। मैं तो उनके मित्र के जैसा, उनके बड़े भाई के जैसा, अंकल के जैसा, इस प्रकार से उनके साथ पेश आता था। तो पहले मैंने उनसे नजदीकी बनाई और उनका विश्वास ले लिया, उनमें इंटरेस्ट जगा दिया, और जब लगाया तो स्टार्टिंग से ये मेरे साथ रहे। मैंने लोकल लेवल पे टूर्नामेंट करवाया, सब सहयोग। हाँ, इतना रहता था कि डाउट के बीच में पहली मैच के पहले इंस्ट्रक्शन रहता था, देखो खेल के बीच में किसी ने भी कोई गलत काम किया, जैसे सिगरेट बीड़ी पीना वगैरह ये किया तो मैं तुमको भगा दूंगा, खेल के बीच में किसी ने झगड़ा करने की कोशिश की तो मैं टूर्नामेंट खत्म कर दूंगा, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, इसलिए कि हम कर रहे हैं इसके लिए पैसा लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, और तुम्हारे और किसके लिए करते हैं, हमारे लिए थोड़ी करते हैं। जब तुम्हारे लिए कर रहे हैं तो तुमने इसमें आनंद लेना है, तुमने इसमें कोई गलत काम नहीं करना है, इसलिए कि इसको देखने वाले लोग, इसको नाम रखने के लिए लोग रेडी है। वेरी ट्रू सर, तो सोसाइटी तो रेडी होती है, बिल्कुल रेडी है। तो लेकिन उन्होंने मुझे आज तक साथ दिया, मैंने आज तक देखा है कि कभी ग्राउंड पे बड़ा झगड़ा दिया, छोटा मोटा होता है, छोटे मोटे तो चलते हैं सर, स्पोर्ट्स में तो छोटे मोटे चलते भी हैं, तो स्पोर्ट्स सक्सेसफुल कैसे होगा और टीम जीतेगी कैसे जब तक छोटे मोटे ये ना हो जाए। सर नेशनल लेवल के बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी एक पहचान मिलने लगी, ये जो जर्नी थी किस तरह देखते हैं आप इसे? जब नेशनल लेवल का टूर्नामेंट हुआ 2003 में जी,
तो तब तक मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ध्यान इस इशू पे चले गया था और इसलिए जब पहला नेशनल नागपुर के नागपुर यूनिवर्सिटी मैदान पे हुआ तो बीबीसी, स्टार, ESPN इसके जैसे इंटरनेशनल मीडिया कवरेज के लिए आए, वहाँ पे कवरेज के लिए आए और उन्होंने इसका केवल कवरेज नहीं किया, उन्होंने इसको यूरोप पे जाके प्रदर्शित भी किया और जब यूरोप पे इसको प्रदर्शित किया तो लकीली इसको देखने वाली भी मीडिया थी। यूरोप में इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट पेपर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बॉसेस के आगे प्रॉब्लम था कि उनके जो मैगजीन्स निकलते थे वो बेचने वाले वेंडर्स जो थे वो लोग एक दो चार अगर इश्यूज भेज दिए उन्होंने तो दो चार दिन नहीं आते थे, यानी बाकी मैगजीन तो चले गए और वो जो दो चार मैगजीन बेच के जो पैसा आया वो तक नहीं पहुँचता था, इसलिए कि अपने देश से भी ज़्यादा ड्रग्स वहाँ पर है। Actually, वो ड्रग्स लेके पड़े रहते थे, हम देखते थे चौराहे पे लोग पड़े रहते थे, डेनमार्क के चौराहे पे हमने देखा है कि बड़े बड़े मार्केट में या बड़ी मॉल के आगे लोग वही ड्रग्स ले रहे, वही पड़े हैं। वो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, बुजुर्ग है, ये सबको हमने देखा है। तो ये प्रॉब्लम उनके आगे थी, उनको एक अच्छा, ये जब देखा उन्होंने तो उनको एक अच्छा लगा कि क्यों ना हम इसको ट्राई करके देखें। और फिर उन्होंने उसी साल में उनके द बिग इशू करके एक मैगजीन था, वो बिग इशू के बिग इशू साउथ अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से निकलता था। उन्होंने तीनों कंटिंजेंट कहिए या कंट्रीज कहिए इनको बुलाया और उनके बीच में विचार विनिमय के साथ में फिर इन्होंने इसके कुछ छोटे रूल्स बनाए और फिर पहला वर्ल्ड कप इटली के गोथेनबर्ग में 2003 में हुआ। ये तो स्टार्ट हो गया और जब ये स्टार्ट हुआ तो उनको नहीं पता था विजय वार्षिक क्या है करके, कहाँ है करके, उन्होंने तो मीडिया के थ्रू देखा था पर वो उनके दिमाग में था कि बहुत बड़ा स्लम या ऐसे अंडर प्रिविलेज एरिया इंडिया में है और ये तो वहाँ से ये मोमेंट आई है तो फिर उन्होंने ढूंढ के निकाला और ऐसे समय उन्होंने ढूंढ के निकाला, कोई इंस्टेंस कहिए या कुछ भी कहिए कि हमारे बेटे हमारे इस काम से नाराज हो गए, बाहर देश में चले गए थे जॉब के लिए, यूएस में जॉब ढूंढ लिया था उन्होंने, वहाँ चले गए थे। उन्होंने हमसे खुलेआम कहा था पापा ये जो आप काम करते हमको पसंद नहीं, बेटे ने हमारे कि हम जब भी आते तब भी आपके, आप आने से पहले ये दरवाजे के ऊपर में जो लोग बैठे हैं, खड़े हैं, जमीन पर बैठे, कुर्सी खींच के बैठ गए, यानी उधर रखी अच्छी कुर्सी उस पर बैठ गए और बैठे भी कैसे लोग हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी के चेहरे पर घाव है, सर पे तेल नहीं लगा है, कपड़े पूरे नहीं पहले कपड़े हैं, लुंगी पहन के आए, तो वह जिसने हायर एजुकेशन किया था उसको अच्छा नहीं लग रहा सर। लेकिन उसी आर्टिकल के बाद आपके बेटे लौटे भी आपको सपोर्ट करने के लिए। हाँ जब वो यूएस में जॉब पे गया तब उसको यूएस में किसी ने आर्टिकल डाला होगा तो उसके पढ़ने में आया तब उसको समझा कि नहीं नहीं मेरा बाप जो अलग अलग सोच है उसकी और वहाँ से उसने मुझे पूछा यहाँ आया और फिर उसके बाद में यहाँ आने के बाद में उससे कहा पापा आपको नहीं मालूम आप क्या काम कर रहे हो, आप इसको अभी भी समझते झोपड़पट्टी फुटबॉल, अरे इंटरनेशनल लेवल पे इसको पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है और ये होमलेस वर्ल्ड का वही है। और फिर उसने झोपड़पट्टी फुटबॉल का स्लम सॉकर बना डाला और स्लम सॉकर को इनविटेशन उसी के कारण से मिलने लगे। ओके सर, वही होता ना कि जनरेशन जो है जनरेशन बाय जनरेशन देखा गया है कि हम अपने बच्चों को पला बड़ा करने में ही बिजी हो जाते हैं, लेकिन आपने अपने बच्चों की नाराजगी झेलते हुए इन बच्चों को एक सहारा दिया, तब कैसा लगता है सर कि बच्चे नाराज हैं लेकिन आपका मिशन और आपका जो ध्यान है वो कहीं और है। मैडम मेरे खुद के तो दो बेटे और एक बेटी है, जी, जी। बेटी भी मेरे एंजेलिना लोंढे यूएस में है, दोनों मिस्टर मिसेस 22-23 साल से वहीं पर है, लेकिन एक बात है कि मेरे दोनों बेटे जो मेरे कंधे से कंधा लगा के काम करते हैं, आज के ज़माने में जवान बेटा अपने बाप के पास नहीं रहता ना सुनता भी है, यह तो 100% मेरे बेटे मेरे खानदे से खानदा काम करती है, बहुत बड़ी भारी बात है। जी जी सर, कठिन लगता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। वेरी ट्रू सर। सर ये जर्नी इतनी अच्छी रही आपकी 20 सालों की, 21 सालों की, जो आपने काम किया वो आज एक
पर्दे पर एक इंस्पिरेशन बन के उभरी है और खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी इस स्टोरी को पोर्ट्रे कर रहे हैं। सर, जब उनसे मुलाकात हुई और ये स्टोरी जब नागराज जी डायरेक्ट कर रहे हैं, जब उनसे मुलाकात हुई, ये स्टोरी की जब संकल्पना रखी गई, कैसा सब कैसा था वो दौर और कैसा प्रोसेस था सर वो? मैडम, मैंने कहा ना, मेरे को आज भी ये कुछ ऐसा यकीन नहीं होता ना, जब उनसे मुलाकात हुई नागराज से तो मैंने यकीन नहीं किया। अच्छा। आपको सुन के बड़ा ये लगा, आश्चर्य लगेगा कि मैं नागराज जी को नहीं पहचानता था। अच्छा। जब पहली मुलाकात हुई तो मैं नागराज जी को नहीं पहचानता था। मैंने सैराट फिल्म नहीं देखी थी, इसलिए कि मैं फिल्म देखने में 3 घंटा डालने से 3 घंटा ये मेरे बच्चों के बीच में, इसको मैं ज्यादा महत्व देता हूं। तो मैंने कई सालों से फिल्म नहीं देखी, तो जब नहीं देखी तो उनके कलाकारों के नाम भी मेरे को आज भी अगर आप पूछोगे तो मैं अशोक कुमार, दिलीप कुमार ही बताऊंगा। आप मेरे को नए कलाकारों के नाम पता नहीं है आज की तारीख में भी। तो नागराज जी जब पहली बार मिले तो यानी वो इंस्टेंट यानी याद करो तो हंसी भी आती है और खुद पे थोड़ा सा ये भी यानी नाराजगी आती है कि कैसे मैंने इस शख्स के साथ बिहेव किया। कि हाँ कहिए, वो बेचारा दरवाजा बजा रहा, कौन है बे जी, मैंने यही रहता हूँ मैं। और रात के 10:30-11 बजे अगर कोई शख्स आपके दरवाजे को ठक ठक करे तो मैं तो डर गया था ना। फिर भी हिम्मत लगा के पूछ रहा, तो कौन है बे, और वो भी ठक ठक ही किए जा रहे हैं। अच्छा। और फिर पूछते मराठी में पूछते सरमी आती हो का, तो फिर हम पूछते कोई काम है क्या, कुछ काम है क्या, कौन है, दरवाजा खुला है, खोलो। मैं बैठा हूँ। हाँ। और उनको बोलता हूँ कि दरवाजा खुला है, ढकेल दो। अच्छा। दरवाजा ढकेलते हैं और पूछते मेरे से, सर मैं नागराज मंजूले हूँ। फिर भी मैं नहीं जानता उनको। हाँ बोलिए, क्या काम है क्या कुछ। हाँ। कैसे क्या है? सर मैं नागराज मंजूले हूँ। हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है। तो वो अपना परिचय देते सैराट से कि सर मैंने, आपने सैराट नहीं देखी क्या? हमने कहा नहीं देखी। तब मुझे स्ट्राइक होता है कि गाना जो है झिंग झिंगाट, ये गाना मैंने सुना है। तो मैं उनसे कहता हूँ झिंग झिंग झिंगाट, वो कहते हैं हाँ हाँ वही वही वही। अरे अरे सर, सॉरी सर, मैं सही में बिल्कुल इस बात से अज्ञानी था। सर आप अंदर आइए। वो जब अंदर आए तो उनके पीछे उनके 8-10 अच्छे भी लोग अंदर आए। और ये मेरी पहली मुलाकात है अमिताभ जी से, मेरी पहली मुलाकात एकदम शूटिंग की जगह। मैं उनसे कभी नहीं मिला, उनके घर में ज़रूर बैठा, उनके डायरेक्टर से मैं बातचीत करते रहा। शायद उन्होंने उस समय CCTV के जरिए मेरा उठना बैठना देखा होगा, चलना बातचीत करने का ढंग देखा होगा, या मेरी कई डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने देखी। लेकिन इतनी बात है कि बिना स्टडी किए अपने अमिताभ जी ने जो मैंने थिएटर में देखा है, ऐसे कर पाना असंभव है। जी जी सर, वही है ना, जब स्टोरी पता चली कि हाँ नागराज जी अब इस स्टोरी को बड़े पर्दे पर लाना चाहते हैं और अमिताभ बच्चन खुद इस स्टोरी को पोर्ट्रे करें, क्योंकि कोई भी अगर किरदार रियल लाइफ स्टोरी जब पर्दे पर आती है तो उस शख्स से और उस रियल हीरो से मिलना पड़ता है, उनकी स्टोरी को, उनके व्यक्तित्व को जानना पड़ता है। तो अमिताभ जी जब आपसे मिले तो किस तरह की बातचीत, किस तरह के उन्होंने? बस मैडम, 9 दिसंबर मुझे अच्छे से याद है, 9 दिसंबर 2019 को जी मैं पहली बार दोपहर के समय 1:30 बजे मैं उनसे मिला। मैं था, मेरी मिसेस, मेरे दोनों बेटे, मेरी बहू, ये हम लोग उनसे मिलने गए। इसलिए कि नागराज जी भी बहुत दिन से याद कर रहे थे, सर 2 तारीख से हम लोग यहाँ पर है। अच्छा। और आप अभी तक, क्योंकि सभी मिलने के लिए बैठा आपसे और मैं चुपचाप था, तो आखिरी कई बार बुलाने के बाद में मिसेस ने भी और बच्चे ने बोला पापा आप मिल तो लो, चलिए तो सही, तो लेकर आए। और जब आए तो बस उन्होंने हेलो हाय किया और अपना दिया। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके, कैसे लग रहा है आपको? तो पहले तो थोड़ा शायनेस, पर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ वारसी जी क्या फील करते हैं? और तब थोड़ा सा सेकंड स्टेप के ऊपर में आ गए। मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि इस समय मैं अमिताभ बच्चन जो इस सदी के महान है वो साक्षात सामने हैं, उनके साथ में खड़ा हूँ। और फिर उन्होंने खांदे पे हाथ रखा, चलो तस्वीर उतारेंगे। तो तस्वीर उतारते उतारते हमने उनसे कहा कि अमिताभ जी आज तक जितनी फिल्में आई सब फिल्मों में आपने
अपना रोल करते समय अपना नाम जो है वो विजय रखा है। हाँ। लेकिन ये पहली फिल्म रहेगी आपकी, क्या आप रियल रियल विजय का रोल? हाँ। विजय के नाम से करेगी, क्योंकि मुझे पता चला था इस 7-8 दिन में उनकी शूटिंग जो हुई थी उसमें वो विजय नाम से काम कर रहे थे। मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ी भारी बात है कि रियल विजय का रोल फिल्मी विजय और विजय इस नाम से करेगी। आप फैन रहे हैं अमिताभ सर के, क्योंकि सदी के महानायक का फैन कौन नहीं है। ये बात है। सर बॉलीवुड देखते नहीं देखते हैं कि पिक्चरें? बहुत कम देखते हैं। बहुत कम। आपके फेवरेट हीरो कौन रहे हैं वैसे? वैसे संजीव कुमार। और नायिकाओं की बात की जाए तो उधर मधुबाला, मीना कुमारी, वहीदा रहमान जी। स्पोर्ट्स के अलावा सर और कौन सी हॉबीज रही है वैसे आपकी? पढ़ना। हाँ, पढ़ाई करना। अरे वाह सर, पढ़ता हूँ जी। और केवल एक ही प्रकार की किताबें नहीं पढ़ता जी, जी। मैं दाऊद से लेकर तो आयसाई तक की किताबें पढ़ता हूँ, हर प्रकार की धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ। नेहरू जी की किताबें पढ़ी है मैंने, गांधी जी की किताबें, यानी जयप्रकाश नारायण, इन सबके जो मेरे लिए आदर्श है, इन सब की किताबों को पढ़ा है। इनकी किताबें मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे नॉलेज होना चाहिए। जी, जी। जैसे दाऊद की अगर किताब पढ़ूँ, सद्दाम की किताब पढ़ूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इनका नॉलेज होना चाहिए। और पत्रकारों ने बहुत बखूबी उसको पूरी जी जान से उसको पिन डाउन किया। जी सर, अभी बॉलीवुड के दौर में अगर हम बात करें तो अब रियल स्टोरीज लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। एक ज़माना था पहले अलग तरीके की स्टोरी होती थी, आज वुमेन सेंट्रिक पिक्चरें पसंद आ रही हैं, अब तो रियल स्टोरीज इतने किरदारों की आ चुकी है पर्दे पर। सर रिलीज़ हो चुकी है फिल्म, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, हम एज ए नागपुरियन बहुत प्राउड हैं कि हम विजय सर की स्टोरी हम बड़े पर्दे पर देख रहे हैं। सर आखिर में जाते जाते आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस पहले तो ये कहूँगा कि इस फिल्म को आप अवश्य देखिए। उसका पहला कारण ये है कि ये फिल्म नागपुर में बनी, पहली फिल्म है कि जो नागपुर में पूरी बनी। दूसरी बात यह है कि अमिताभ बच्चन ईसा जी के महानायक यहाँ पर आते हैं और पूरी शूटिंग बिना ब्रेक दिए उन्होंने की है। वो करीब करीब 1.5 महीना नागपुर में थे। इसके बाद में ये नागपुर के कलाकारों ने ही इसके ऊपर में पार्ट किया है। अमिताभ जी अगर छोड़ोगे तो बड़े रोल में कोई नहीं रहा, केवल नागपुरी नागपुर रहे। उसके बाद में ये स्पोर्ट्स के ऊपर आधारित है और झोपड़पट्टी के ऊपर आधारित है, और उसको वो भी एक है कि जिनको नागपुरियन पहले से स्पोर्ट्स के बहाने से सामाजिक कार्यों के कारण से मैं पहचाना जाता हूँ। मेरे जीवन की कहानी है, वो उनके जीवन की कहानी। बिल्कुल सही है। और इसीलिए एक पार्ट ये है कि नागपुर वालों ने इसलिए देखने वाले हैं, लेकिन दूसरा पार्ट ये है, दूसरी अपील मेरी ये है कि हर शख्स ये काम कर सकता है। कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने गौर से देख के उसको अनदेखा नहीं करना, और जो देखा, जो परिस्थिति के बीच में से आप जा रहे हैं उसको करने की आप कोशिश करो। थैंक यू सो मच विजय सर, आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों से बात की। तो रियल हीरो इसे ही तो कहते हैं जो बिना एक्सपेक्टेशंस, बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के बस अपना जीवन कुछ अच्छे काम को समर्पित करता है। और विजय सर ने अपना पूरा जीवन अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए समर्पित किया, और सिर्फ समर्पित ही नहीं किया, उन्हें एक मुकाम हासिल करवाया, और आज इनसे ही सीखे हुए बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और खुद श्री अमिताभ बच्चन साहब इनकी तारीफ करते हैं और इनके किरदार को पोर्ट्रे करने के लिए तैयार भी हुए, और इतनी बखूबी फिल्म बनाई गई। नागराज सर को थैंक यू, उनकी पूरी टीम को थैंक यू कि हमारे नागपुर को इस लेवल पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया। सो आज रियल हीरो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक लिए दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।